निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि वे अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें और अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति से हम सबको प्रेरणा दें जो इस विराट सम्मेलन में यहाँ उपस्थित हुआ जन समुदाय है, गीता भक्त हैं, उन सबको संबोधित करने के लिए निवेदन माननीय राज्यपाल महोदय से। आज का ये आयोजन को देखकर मुझे बहुत प्रेरणा भी मिली है और प्रसन्नता भी हुई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आयोजन आप सबकी उपस्थिति, पूजनीय संतों की मंच पर उपस्थिति और इस आयोजन के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश, उससे आयोजन बहुत प्रेरणादायी और आह्लादकारी बन गया है। कल हम में से बहुत से लोग कुरुक्षेत्र में थे जो गीता की जन्मभूमि है। गीता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का प्रारंभ का दिन था, वो उद्घाटन दिवस था। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी भी वहां पर उपस्थित थे और कल ही शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, पूजनीय सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी उपस्थित थे। पूरा आयोजन देखते बनता था, लेकिन जब मैं उसको याद करता हूं और इस आयोजन को देखता हूं तो ये आयोजन भी मुझे किसी दृष्टि से कम नहीं दिखता, बल्कि इसमें एक और विशेषता दिखती है मुझे कि इतनी बड़ी संख्या में प्यारे बच्चे यहां पर एकत्रित हैं और बच्चे हमेशा पवित्र और मन के सच्चे होते हैं। जो संस्कार उनको इस उम्र में मिलते हैं वो उनके जीवन को सुधारते और संभालते हैं। और आप सबको, बच्चों को बुलाकर, समाज के विभिन्न वर्गों को बुलाकर, सामाजिक समरसता का संदेश देकर, वास्तव में जियो गीता ने बहुत अच्छा, अनुकरणीय और असली काम किया है। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी को मैंने कई बार सुना है, कई बार कार्यक्रमों में उनके साथ में रहा हूं, लेकिन पिछले सब सत्संगों में मुझे वो रूप स्वामी जी का नहीं दिखा था जो आज दिख रहा है। उन्होंने पूरे हरियाणा और पंजाब को गीतामय कर दिया। जियो गीता के माध्यम से और श्री कृष्ण कृपा धाम वृंदावन के माध्यम से उन्होंने पूरे देश को गीतामय कर दिया। और हरियाणा में 2016 से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में आयोजित करने की प्रेरणा देकर, यद्यपि वो आयोजन हरियाणा सरकार की ओर से होता है, हरियाणा सरकार के द्वारा गठित कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा होता है, जिस बोर्ड का स्वयं मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन उस सब के पीछे अगर प्रेरणा किसी की है, आध्यात्मिक प्रेरणा अगर किसी की है, तो स्वामी ज्ञानानंद जी की है। और इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के माध्यम से उन्होंने गीता को के माध्यम से पूरे विश्व को गीतामय कर दिया। भगवान ने व्यक्ति बनाया, सारे व्यक्तियों को मिलकर के समाज बनाया और ये समाज का जीवन यापन ठीक से चले, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हों, इसलिए भगवान ने सृष्टि बनाई, पृथ्वी बनाई। और इतना ही नहीं तो पूरे विश्व में जितने देश हैं उसमें भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें भगवान स्वयं आकर के और अवतार भी लिए, स्वयं भगवान आए इस देश में और उन्होंने आकर के वो संदेश दिया
और वो संदेश ऐसा है कि जिस ढंग से अगर प्रत्येक व्यक्ति जीता है तो विश्व शांति सही अर्थों में स्थापित हो सकती है। इसका प्रमाण, इसका सबूत, इसका एविडेंस एक ही है कि जब वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व की संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में जब हिंसा को मिटाने के लिए योग की वकालत की, योग के बारे में बताया, तो पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 90 दिन के अंदर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एक योग एक अंतर्राष्ट्रीय योग बन गया। हम गायत्री मंत्र में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आकर के मेरे अंतःकरण में विराजमान हो जाओ और मुझे हमेशा सही दिशा पर, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहो। ये सब चीजें देने के बाद भी इस आदमी को एक और चीज दी है और वो है आसक्ति, मोह, इच्छा। और इसलिए इच्छा, मोह और आसक्ति, इस पर जब तक नियंत्रण नहीं होता, इस पर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं करते, जब तक हम जितेंद्रिय नहीं बनते, तब तक कोई भी चीज, कोई भी उपाय अमन शांति ये स्थापित नहीं कर सकता और संविधान में जो कुछ वर्णित है उसको हम स्थापित नहीं कर सकते। ये करने के लिए ये संदेश, ये गीता का संदेश बहुत जरूरी है। उसकी प्रेरणा के लिए ये गीता प्रेरणा महोत्सव का आयोजन बहुत संदेश देने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। सभी संत जन, हमारे मार्गदर्शक गण जो यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, उनकी ऐसी कृपा मेरी ऊपर बनी रहे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का, उनके संबोधन, उनकी कृपापूर्ण उपस्थिति और उनसे मिलने वाले मार्गदर्शन के प्रति। मैं संजीव जी से निवेदन करूँगा, संजीव कृष्ण जी जो कि हम सब के बीच यहाँ मंचासीन हैं, भागवत कथाकार हैं, और उनकी वाणी से कुछ ऐसे संदेश, कुछ ऐसे उनके प्रवचन के माध्यम से ऐसे बिंदु जो हम सबको प्रेरित करेंगे, उसके लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। भारतवर्ष की शीर्षस्थ आध्यात्मिक विभूतियाँ जो इस मंच को अपनी पावन उपस्थिति से गौरवान्वित कर रही हैं, उनके पावन श्री चरणों में मैं मेरा प्रणाम निवेदित करते हुए, उपस्थित सभी गीता प्रेमी, बड़े आनंद का और बड़े उल्लास का विषय है। केवल हरियाणा ही गीतामय नहीं हुआ, जैसे राज्यपाल महोदय ने कहा, मुझे लगता है पूरा देश गीतामय हुआ है, पूरा विश्व गीतामय हुआ है। एक एक व्यक्ति के चेहरे पर जो आनंद, उल्लास, एक निश्चिंतता के जो भाव आए हैं, और निश्चित रूप से देश में जब धर्म सत्ता और राज सत्ता कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, तब गीता प्रेरणा महोत्सव के स्वरूप सामने आ जाते हैं। जहां राज सत्ताएं धर्म सत्ता के श्री चरणों में झुककर प्रणाम करती हैं, तो ऐसा वातावरण उपस्थित होता ही है। व्यक्ति के आचरण को, व्यक्ति के व्यवहार को कोई सुधार सकता है तो ये महापुरुष सुधार सकते हैं, ये संत सुधार सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, और मुझे लगता है 21वीं सदी में आवश्यकता है कोई। वी आर फ्लाइंग इन द स्काई, वी आर स्विमिंग ऑन द सी, बट वी हैव फॉरगेटन हाउ टू लिव ऑन अर्थ। हम कैसे जिए, हम कैसे सामाजिक सद्भाव बनाएं, उसके रूप में जब हम देखते हैं तो संतों को अपने सामने खड़ा पाते हैं। मैं तो, मेरा सौभाग्य है पूज्य गीतामणि श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के शिष्य होने का, उनके श्री चरणों में बैठकर मैं बड़ा हुआ। मैं पुनः सारे करनाल वासियों को, पूरे हरियाणा को बधाई देता हूँ। संत की शरण में रहेंगे, आनंद ही आनंद होगा, गीता आपके जीवन का गीत बने। मैं पुनः संपूर्ण हरियाणा को और आप सब करनाल वासियों को गीता प्रेरणा महोत्सव की बधाई देता हुआ, चूँकि मंच पर आध्यात्मिक विभूति विराजमान हैं, उनके आशीर्वचन मिलेंगे। मैं मेरे शब्द, मैं मेरी वाणी विराम करता हूँ। सबको जय भगवद गीते। कैसे ही हमारे साथी उमेश शर्मा जी, जो कि हिंदू काउंसिल ऑफ यूके के चेयरमैन हैं, विशेष रूप से लंदन से इस अवसर पर हम सबके बीच पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आए, संक्षेप में अपनी बात, अपने विचार वो आपके समक्ष रखें। ईश्वर की बड़ी ही असीम कृपा से और पूज्य स्वामी जी के अति स्नेह से आज मैं जो लंदन में हमारे हिंदू संगठन है उनकी ओर से
इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं लेके आया हूँ। गीता पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ दो तीन चीज़ें टच करूँगा जो कि स्वामी जी ने भारत में तो अपना जो जे गीता का प्रचार प्रसार घर घर तक पहुँचाया है, पर इन्होंने यूके में और यूरोप के अन्य देशों में भी गीता की जो महत्ता है, गीता का जो दैनिक जीवन में स्थान है, उसको लंदन में और यूके में पहुंचाया है। स्वामी जी का बड़ा स्नेह रहता है कि हर वर्ष जे कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में जो श्री राम मंदिर साउथ हॉल शोभा यात्रा निकालता है, उसमें हमें आशीर्वाद देते हैं और उसमें हजारों की संख्या में यूके से जो लोग वो स्वामी जी का आशीर्वाद लेते हैं और दिन प्रतिदिन जो संख्या मंदिरों की है, जो संस्थानों की है, वो स्वामी जी के प्रेरणा के कारण बढ़ती जाती है। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर सभी को इस गीता जयंती के महोत्सव पर बधाई देता हूँ और सभी संतगण जो हैं उनको निजी रूप से अपना और लंदन का और यूके की ओर से प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय भगवद गीते। इस बीच माननीय श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, हम सबके बीच पधार चुके हैं। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ इस अवसर पर उनका हार्दिक स्वागत, उनका हार्दिक अभिनंदन। ये हरियाणा सरकार के अपने प्रयास जो कि गीता अंतर्राष्ट्रीय समारोह के रूप में इस समक्ष दुनिया के आए, लेकिन गुरुवर ने, स्वामी जी ने उसको एक नया आयाम से जोड़ा और इस तरह से सामूहिक रूप से देश विदेश से लोगों को आमंत्रित किया, गीता भक्तों को आमंत्रित किया और इस रूप में ये आयोजन आपके समक्ष जारी है। और इसमें यहाँ हम सब के बीच उपस्थित आदरणीय जैन संत विवेक मुनि जी महाराज, मैं उनसे इस अवसर पर प्रार्थना करूँगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से, अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। गीता प्रेरणा महोत्सव के इस पावन अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और भगवान श्री कृष्ण का, गीता का वह संदेश जो पूरी मानवता का मार्गदर्शन करता है और मानव मन में जो भी हताशा है, निराशा है, उदासी है, उसको दूर करता है और उसके साथ साथ हमारे अंदर एक अदम्य साहस, एक संकल्प और एक नए ढंग से कर्म करने की प्रेरणा देता है। जिसकी चेतना सुप्त हो गई है, जो विषाद में चला गया है, जिसकी कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, उसके अंदर कर्म करने की शक्ति अगर कहीं से मिलती है तो वो गीता के ज्ञान से मिलती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योग है कर्मेषु कौशलम, कि हम जो भी कर्म करते हैं उसे योग पूर्वक करें। भगवान महावीर ने भी मन, वचन और काया के तीनों के संयुक्त मिलन को, तीनों की हार्मनी को, तीनों की एकरूपता को ही कर्म योग कहा है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में भी योग है कर्मेषु कौशलम का जो संदेश देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो पूरी मानवता के लिए कि हम जो भी कार्य करें वो मन, वचन और काया की एकता के साथ में अगर करते हैं तो वह कार्य हमारा पूरी तरह से संपन्न होता है और उसमें
कर्म में हम तो खाली निमित्त होते हैं, उसके पीछे अगर कोई शक्ति कार्य करती है तो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति कार्य करती है। गीता प्रेरणा महोत्सव की पावन बेला में, गीता प्रेरणा महोत्सव की पावन बेला में बहे अहिंसा शांति प्रेम की छल छल धारा, बहे अहिंसा शांति प्रेम की छल छल धारा। शांत स्वच्छ हो शीतल मन, शांत स्वच्छ हो शीतल मन, मिटे अंतर जगत और बहिर जगत का कलमल सारा, मिटे अंतर जगत और बहिर जगत का कलमल सारा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस मंच पर विराजमान आध्यात्मिक शक्तियों के श्री चरणों में वंदन करते हुए ओम शांति शांति शांति। मैं निवेदन करने जा रही हूँ भाई सतपाल जी महाराज जी से कि वो आए और अपना गुरुतम उद्बोधन दें। भाई सतपाल जी महाराज, आज मुझे भी बहुत प्रसन्नता और प्रेरणा भी मिल रही है कि इस पावन धरती पर जहाँ से गीता का उपदेश, गीता का संदेश 5154 साल पहले दिया गया, मैं भी इसमें भाग ले रहा हूँ और शिरकत कर रहा हूँ। पूरे विश्व में आज यूनाइटेड नेशन, जिसमें 99% मुल्क उसमें भागीदारी करते हैं, उसके मेंबर हैं, उनके जो रिलीजियस अफेयर के सेक्रेटरी हैं, उनका एक भाषण में ये कहना कि गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द वर्ल्ड इज इंडिया। 201 मुल्क, भारत का जो सम्मान यूनाइटेड नेशन में, विश्व में, वो आप सबको मालूम ही है। भारत की जो देन विश्व को है उसको हम भुला नहीं सकते। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, शून्य का हिंदुस्तान से हुआ। संस्कृत भाषा जो कंप्यूटर की सबसे मोस्ट कंपैटिबल लैंग्वेज गिनी जाती है, उसका भी जो जन्म भारत में हुआ। एस्ट्रोनॉमी में, चिकित्सा में, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, जो पुराने कई सौ कई सदियों से जो भारत के, भारत की जो देन है वो एक मिसाल है। आज मेरे समझ में दो क्षेत्र में हमारे को काम करना है पूरे विश्व के शांति और विश्व के कल्याण के लिए, और उन दोनों क्षेत्रों के आज हमारे पास इसी मंच पे हमारे पास वो दोनों ही महापुरुष बैठे हैं। एक फील्ड जो है वो है शांति का। जियो गीता के माध्यम से मैं फिर स्वामी ज्ञानानंद जी से निवेदन करता हूँ कि इसका आप वहाँ पे भी कुछ सोचें, यूएसए में इसका गीता भवन बनाने का, जियो गीता का वहाँ पे भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। दूसरा, हमें आज चिकित्सा के फील्ड में, और उसके भी हमारे परम पूज्य बाबा रामदेव जी यहाँ बैठे हैं, जो आप सबको मालूम ही है भारत में नहीं पूरे विश्व में चिकित्सा के क्षेत्र में जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये दो मैं सोचता हूँ कि जो विश्व की आज ज़रूरत है, हमारे पास हर तरह का टैलेंट है, हमारे पास हर तरह की विद्या है, हमारे पास हर तरह के यहाँ पे स्वामी संत जन हैं जिन्होंने पूरे विश्व को ये एक भारत संदेश जो देता है वो पूरा विश्व सुनता है। तो इतना मैं कहते हुए आप सबसे माफ़ी की इजाज़त लेता हूँ। मेरा भी ये सौभाग्य है, लास्ट ईयर भी मैं यहाँ आया था और आगे भी आता रहूँ और आप सबसे दर्शन करता रहूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार भाई सतपाल सिंह जी का। ये पूरा आयोजन अपने आप में हमारे लिए क्या उद्देश्य रखता है, इसके पीछे की परिकल्पना क्या है, इसकी सोच क्या है, और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने गीता के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से और प्रचार प्रसार के माध्यम से मानव कल्याण के उद्देश्य से एक जो परिकल्पना की है उसके क्या क्या आयाम हैं, मैं उन्हीं से विनती करता हूं, उन्हीं से निवेदन करता हूं कि वे आपसे मुखातिब हो, आपको उद्बोधित करें और इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आज मार्ग शीर्ष शुक्ल अष्टमी है, 26 नवंबर। आज भारत का संविधान दिवस है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज के दिन तैयार हुई थी।
और आज के दिन ही ये स्वाभाविक ही गीता प्रेरणा महोत्सव। यद्यपि इन दिनों श्रीमद् भगवद् गीता की अवतरण स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में अनेकानेक कार्यक्रम श्रीमद् भगवद् गीता भाव के चल रहे हैं, उसी मध्य यह एक स्वाभाविक सा संयोग बना करनाल में गीता जयंती से पूर्व इस गीता प्रेरणा आयोजन का। इस कार्यक्रम में सदैव की भांति जिनका स्नेह, जिनका आशीर्वाद, जिनका वात्सल्य, जिनकी कृपा सदैव हर प्रकल्प में हर प्रकार से सदैव साथ देती है, मार्गदर्शन करती रहती है, और जिनके भाव स्वभाव व्यवहार से ढेरों प्रेरणाएं सदैव मिलती हैं, ऐसे हमारे पूज्य चरण कार्ष्णी महाराज श्री रमण रीति वाले महाराज श्री आज यहाँ कृपा पूर्वक उपस्थित हुए हैं। उनके श्री चरणों में हृदय से नमन वंदन करते हुए वो हम सब संतों की आस्था हैं, श्रद्धा हैं, भाव उनके श्री चरणों में सदैव सभी पूज्य संतों का रहता है, हृदय से वंदन। हमारे अत्यंत आत्मीय वर्षों वर्ष से जिनका स्नेह सदैव साथ रहा है, रहता है, हमारे जूना पीठाधीश्वर परम श्रद्धे आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, संभवतया श्री कृष्ण कृपा परिवार के प्रत्येक ऐसे आयोजन में उनका आशीष प्राप्त होता ही है। आज भी उनकी कृपा यहाँ हम सबको प्राप्त हो रही है मंच पर, उनके प्रति भी हृदय से वंदन नमन। योग को पूरे विश्व की एक सहज प्रेरणा बनाने वाले, और केवल योग ही नहीं, राष्ट्र स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान, भारतीयता, राष्ट्रीयता के प्रति जन जन में चेतना जगाने वाले, और इतना ही नहीं स्वदेशी का एक बहुत व्यवहारिक अभियान आह्वान और उसे व्यवहार तक पहुंचाने वाले। और ऐसी परिस्थितियों में जबकि आज तो भगवान की कृपा है, लेकिन कुछ समय पूर्व अनेक विपरीत स्थितियां, अनेक प्रकार की बाधाएं, लेकिन तब भी संकल्प की दृढ़ता जिनकी कमज़ोर नहीं हुई, तब भी संकल्प की दृढ़ता, ढेरों ऐसी स्थितियां। हमें एक बार दिल्ली और उसके पश्चात भी कुछ हलचल और एक संकल्प लेकर जब पूज्य स्वामी जी निकले तो हमें एक शायर की पंक्तियां याद आ रही थी कि कभी कोशिश न करना ऐ फलक तू आजमाने की, हमें पहले से आदत है जिगर पे चोट खाने की। जहां हमसे मुखालिफ है, हमारे मुस्लिम बंधु भी यहां उपस्थित हैं और वो भी गीता के दीवाने हैं, जहां हमसे मुखालिफ है हमें मालूम है, लेकिन ये स्वामी पूज्य योग ऋषि जी महाराज के लिए कभी कोशिश न करना है फलक तू आजमाने की, हमें पहले से आदत है जिगर पे चोट खाने की। जहां हमसे मुखालिफ है हमें मालूम है, लेकिन बदल देंगे किसी दिन हम हवा सारे जमाने की। एक ऐसा और आज दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से स्वदेशी एक जन जन की प्रेरणा बनी, योग जन जन की प्रेरणा बने, और महाराज अब तो ऐसा महाराज श्री होने लगा है कि वो केश कांति और दंत कांति और वो सब देख करके औरों को भी लगने लगा है, वो भी लिखने लगे हैं मिक्स फ्रूट ऑयल, और विदेशी कंपनियां भी कहीं ना कहीं लिखने लगी हैं
कि स्वदेशी वस्तुओं का ये हमारे यहाँ ये बाहर लिख करके अपने पेस्ट पे, तो ये एक प्रभाव है कि दूसरों में भी एक परिवर्तन बदल देंगे किसी दिन हम हवा सारे जमाने के। और वो दृश्य पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का एक सहज स्नेह ढेरों वर्षों से रहता है, आज उनकी उपस्थिति हम सबको आह्लादित मंच को गौरवान्वित कर रही है। हमारे हिंदू धर्म आचार्य सभा जिसके अध्यक्ष हमारे पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी महाराज हैं और मुख्य संरक्षक हमारे पूज्यपाद कार्ष्णी महाराज श्री हैं और राष्ट्र की लगभग सभी जो आचार्य पीठ हैं उनके आचार्य और देश के वरिष्ठ संतजनों का एक सक्षम संगठन है हिंदू धर्म आचार्य सभा, जिसकी संस्थापना राष्ट्र के गौरव संत पूज्यपाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने की, उन्हीं के कृपा पात्र और अब उन्हीं के भाव लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे परम स्नेही परम अभिन्न स्वामी परमात्मानंद जी महाराज और वर्तमान में हिंदू धर्म आचार्य सभा के संयोजक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। हमारे श्रद्धेय विवेक मुनि जी महाराज, श्रद्धेय भाई सतपाल सिंह जी महाराज और पंजाब से हमारे बहुत उदार मना संत परम स्नेही बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज यहाँ मंच पर हैं। आदरणीय संजीव कृष्ण ठाकुर जी वो यहाँ उपस्थित हैं। अनेक पूज्य संतों की यहाँ उपस्थिति है, पूज्य महावीर दास जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं और भी अनेक संत और हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, एक कर्मठता और एक समर्पण अपनी भारतीयता राष्ट्रीयता के प्रति लेकर के जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में उनका एक संकल्प देखा जा रहा है पूरे कुरुक्षेत्र और पूरे हरियाणा में, ये वास्तव में उनके भीतर के संस्कार जो उन्हें संगठन के माध्यम से प्राप्त हुए और आज इस रूप में उन संस्कारों को व्यावहारिक प्रेरणा का दायित्व तो उन्हें मिला है और उसे अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं और मंच पर एक सक्षम विचारक चिंतक राष्ट्र के एक सबल प्रतिभा हमारे माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के किसी भी विषय पर कभी उन्हें सुने, अभी 7 नवंबर को गौरक्षा संकल्प दिवस पर जिस ढंग से उन्होंने गाय के विषय में अपनी प्रस्तुति दी, चिंतन प्रस्तुति, बहुत वंदनीय, उनका आगमन यहाँ मंच पर है। हमारे करनाल क्षेत्र के, क्योंकि आज बहुत अधिक आमंत्रण नहीं क्योंकि करनाल में कार्यक्रम है, करनाल से नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, खरौंडा के विधायक हमारे हरविंदर कल्याण जी, असंध के विधायक सरदार बख्शीश सिंह जी और भी हमारे ढेरों अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं। सबके प्रति हमारी हृदय से शुभकामना। और यहाँ हमारे नगर के आदरणीय अर्चक, हमारे लगभग अधिकांश मंदिरों के करनाल के जो सेवाधिकारी हैं, अर्चक हैं, पुजारी हैं, उन सब की सद्भावना आज मंच पर यहाँ दिखाई दे रही है। सभी के द्वारा सामूहिक यहाँ स्वस्ति वाचन और शंखनाद हुआ। सभी विप्रजनों के प्रति भी वंदन नमन।